सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको दबोरा की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको न्यायों की पुस्तक के 4 और 5 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इसराइल का कोई राजा नहीं था। इसराइल का न्याय करने वाला एहूद मर गया था और इसराइलियों ने फिर से यहोवा की दृष्टि में पाप किया। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने इसराइलियों को कनान के राजा याबिन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो हरोशेत में रहता था। जब कनानी लोग इसराइलियों को पीड़ा देने और सताने लगे तो इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सेनापति सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वे इसराइलियों पर 20 वर्ष तक अंधेर करते रहे। उस समय लपिदोत की पत्नी दबोरा नबिया थी और एप्रेम के पहाड़ी देशों में रामाहा और बेतल के बीच खजूर के पेड़ तले बैठा करती थी और इसराइल के लोगों का न्याय करती थी। दबोरा ने अबीनोम के पुत्र बाराक को बुलाकर कहा कि इसराइल का परमेश्वर यह आज्ञा देता है कि तू जाकर ताबोर पर चढ़ और नप्तालियों और जबुलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबिन के सेनापति सिसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब बाराक ने दबोरा से कहा कि यदि तू मेरे संग चलेगी तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तब दबोरा ने बाराक से कहा कि निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। तब बाराक ने जबुलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष हो लिए और दबोरा भी उसके संग गई। प्रियो, यहाँ मैं आपको बता दूं कि पुराने नियम में दबोरा एक योग्य और गुणवती स्त्री थी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इसराइल के शत्रुओं को पराजित किया। दबोरा जो कि ना सिर्फ एक स्त्री थी, बल्कि वह एक पत्नी, एक माता, एक नबिया, एक न्यायी तथा एक योद्धा भी थी। उसने अपने हर एक फर्ज को बखूबी निभाया। वैसे ही प्रियो, आज भी महिलाएं घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ प्रभु की सेवा भी कर सकती है। यह जरूरी नहीं है कि प्रभु का काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं भी अपनी बुलाहट के अनुसार प्रभु की सेवा का काम कर सकती है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि हेबेर नामक केनी ने, जो कि मूसा के साले होबाब के वंश से था, उसने अपने को अलग करके केदेश के पास सानेनीम के बांज वृक्ष के पास अपने डेरे खड़े किए। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तो उसने अपने 900 लोहे के रथों और अपनी सारी सेना को लेकर किशोन नदी के पास आया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। तब बाराक और उसके 10,000 पुरुषों को लेकर ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सिसरा के सारे रथों वरन सारी सेना को घबरा दिया और सिसरा रथ पर से उतरकर पांव पांव भागने लगा। तब बाराक ने हरोशेत तक सिसरा की सेना का पीछा किया और तलवार से सिसरा की सारी सेना का नष्ट कर दिया, लेकिन सिसरा पांव पांव हेबेर केनी की पत्नी याएल के डेरे में भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबिन और हेबेल केनी आपस में मिले हुए थे। तब याएल सिसरा से मिली और कहने लगी, हे प्रभु, आ मेरे पास आ और मत डर। तब सिसरा याएल के डेरे में गया और याएल ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब याएल ने कुप्पी में दूध लेकर उसे पिलाया और उसको फिर ओढ़ा दिया। और सिसरा ने याएल से कहा कि डेरे के द्वार पर खड़ी हो जा, यदि कोई आकर मेरे बारे में पूछे तो उसे कुछ मत बताना। जब सिसरा थक मांद कर गहरी नींद में सो गया, तब याएल दबे पांव उसके पास आई और उसकी कनपट्टी में खूटी ऐसे ठोक दी कि वह खूटी पार होकर जमीन में धस गई और सिसरा वहीं मर गया। जब बाराक सिसरा का पीछा करते हुए आया तो याएल उसे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ,
जिसको तू खोज रहा है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसकी कनपट्टी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इसराइलियों के सामने नीचा दिखाया और इसराइली कनान के राजा पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। इस प्रकार परमेश्वर दबोरा और याइल के द्वारा इसराइलियों को कनानियों के वश से छुड़ाया। तब इसराइल में 40 वर्ष तक शांति बनी रही। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हम दबोरा के द्वारा सीख सकते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि दबोरा परमेश्वर के करीब रहती है, क्योंकि जो परमेश्वर के करीब रहते हैं वे ही परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। दबोरा भी परमेश्वर के करीब रहती थी, इसलिए वह परमेश्वर की इच्छा जान सकी और लोगों को भी बता सकी। प्रियो, हमें भी हमेशा परमेश्वर के करीब रहना चाहिए ताकि हम उसकी आवाज सुन सके और उसके उद्देश्य व इच्छा को जान सके और लोगों को भी बता सके। हम यह हमेशा याद रखें कि जितना हम परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना ही अधिक उसे जानने पाएंगे। दूसरी बात प्रियो, कि दबोरा एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर इसराइल के लोगों का न्याय करती थी। जब वह इसराइल के लोगों का न्याय करती होगी तो शायद उसका पति घर में खाना बनाता होगा। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि महिलाओं को ही घर का काम करना चाहिए। अक्सर यह होता है कि यदि घर की महिला जॉब करती है तो उसे जॉब के साथ साथ अपने घर का काम भी करने का दबाव डाला जाता है। मैं यह नहीं कह रही कि जॉब करने वाली महिलाओं को घर का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं यह कहना चाहती हूँ कि सिर्फ महिलाएं ही क्यों, क्या पुरुष भी ऐसा नहीं कर सकते? मैं कहती हूँ कि कर सकते हैं, बस पति और पत्नी के बीच अच्छी समझ होना चाहिए ताकि वह मिलकर घर का काम कर सकें। यदि पति पत्नी दोनों जॉब करने वाले हैं तो फिर दोनों को मिलकर घर का भी काम करना चाहिए, और यदि पत्नी जॉब पर जाती है और पति घर पर रहता है तो फिर पति को घर का काम करने में शर्माना नहीं चाहिए। पति पत्नी के बीच आपसी संतुलन होना बहुत जरूरी है। प्रियो, मैंने एक ऐसे परिवार को देखा है जहां पत्नी जॉब भी करती और फिर आकर घर का काम भी करती थी, लेकिन जॉब की थकावट की वजह से वे हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती थी और इसी वजह से उस घर में रोज किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी। पति के जॉब ना करने और फिर अपने जॉब से वापस आकर घर का काम करने की वजह से वह महिला मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब रहने लगी। उस महिला ने अपने पति से कई बार कहा कि या तो आप जॉब ढूंढो या फिर घर का ही काम कर लिया करो, लेकिन उसका पति ना जॉब ढूंढ रहा था और ना ही घर के काम में हाथ बटा रहा था, क्योंकि घर का काम उसकी शान के खिलाफ था। एक दिन तंग आकर उस महिला ने अपने पति को तलाक दे ही दिया और अब वे दोनों अलग अलग हैं। वास्तव में प्रियो, यदि पति और पत्नी के बीच आपसी सहमति और समझ ना हो तो परिवार बिखर जाता है, लेकिन दबोरा के साथ ऐसा नहीं था। मैं दबोरा के साथ साथ उसके पति की भी तारीफ करना चाहती हूँ। यदि ऐसी समझ हर पति में हो तो कई परिवार बर्बाद होने से बच जाएंगे। इसके साथ ही प्रियो, मैं यह भी बता दूं कि परमेश्वर ने दबोरा को अर्थात एक महिला को इसलिए चुना क्योंकि उस समय सारे पुरुष पौरुषहीन हो गए थे। सब पुरुष कायरों की तरह अपने घर में छुपे हुए थे, कोई सिसरा का सामना करने को तैयार नहीं था। ऐसे समय में परमेश्वर ने एक महिला को इसराइल के लोगों को छुड़ाने के लिए चुना ताकि परमेश्वर यह बता सके कि यह जरूरी नहीं है कि परमेश्वर का काम एक पुरुष ही कर सकता है, बल्कि वह पुरुषों की जगह स्त्रियों का इस्तेमाल करके भी अपना काम कर सकता है। अपने काम के लिए परमेश्वर पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। परमेश्वर ने बीते सैकड़ों सालों में पूरी दुनिया में कई महिलाओं को अपने काम के लिए चुना है और आज भी कई महिलाएं बड़ी निडरता के साथ परमेश्वर के काम को अंजाम दे रही हैं। एक बात हमेशा याद रखिए प्रियो, कि परमेश्वर का काम कभी भी रुकता नहीं है। एक और बात प्रियो जो हम दबोरा के जीवन से सीखते हैं कि वह परमेश्वर की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। जब इसराइल के लोग 20 वर्ष से कनानियों के अधीन थे और वे उन्हें सता रहे थे तो परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो युद्ध के क्षेत्र में जाकर शत्रु से लड़ सके। ऐसे समय में परमेश्वर ने दबोरा को पाया और वह भी परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार थी।
आज भी परमेश्वर इस संसार में शैतान के बंधन में जकड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो उसका काम करने के लिए तैयार हो, और जो तैयार है परमेश्वर उनका बहुतायत से उपयोग कर रहा है। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु के लिए अपने घर, परिवार, जॉब या आपकी सबसे प्यारी चीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपके द्वारा वह काम करेगा जिसकी आप भी कल्पना नहीं कर सकते। प्रियो, दबोरा के जैसे प्रभु के काम के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि वह आपके द्वारा शैतान को निस्तो नाबूद करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? अगली बात प्रियो जो हम दबोरा से सीख सकते हैं वह यह है कि दबोरा संगठित होकर कार्य करने के लिए समर्पित थी। दबोरा ने अकेले ही सब कुछ नहीं किया, उसका एक सहायक था जिसका नाम बाराक था। उसने बाराक के साथ मिलकर 10,000 लोगों का एक समूह तैयार किया जिसके द्वारा वह सिसरा की सेना पर आक्रमण कर सके। यहाँ हम दल या समूह में काम करने की सफलता को देखते हैं। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी सेवा शुरू करते हैं तो उससे पहले वे प्रार्थना पूर्वक 12 शिष्यों का चुनाव करते हैं। उन्होंने सुसमाचार का कार्य स्वयं अकेले नहीं बल्कि अपने चेलों के साथ मिलकर किया, और जो प्रभु ने किया वह उन्होंने अपने चेलों को भी सिखाया। वैसे ही प्रियो, जब हम संसार में प्रभु की सेवा करते हैं तो हमें एक ऐसे समूह को तैयार करना है जो हमारी सेवा में भौतिक व आत्मिक रूप से सहायता कर सके। यदि हम संगठित होकर एकजुट होकर प्रभु के काम को करते हैं तो हम प्रभु का काम और अधिक प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। इसलिए सब उपदेशक की पुस्तक और उसके 4 अध्याय के 12 वचन में लिखा है कि यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हाँ प्रियो, यदि हम अकेले प्रभु का काम करने के बजाय एक साथ मिलकर एक समूह या दल बनाकर प्रभु का काम करेंगे तो हम बड़ी आसानी से शैतान और उसकी ताकतों पर प्रबल हो सकते हैं। अंत में मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ प्रियो कि आज बहुत सी कलीसियाओं में महिलाओं के अगुवे या पास्टर बनने पर उनकी आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि महिलाएं अगुवाई नहीं कर सकती, संदेश नहीं दे सकती या कलीसिया की कमेटी में सदस्य नहीं हो सकती। तो ऐसे लोगों को मैं यह कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के राज्य में लिंग भेद नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि पुरुष ही कलीसिया चला सकते हैं या संदेश दे सकते हैं। दबोरा की कहानी हमें यह बताती है कि परमेश्वर जिस किसी को चाहे उसे अपनी सेवा के लिए उपयोग कर सकता है, फिर चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। इसलिए प्रियो, ऐसे लोगों की शिक्षा को ग्रहण ना करें जो यह कहते हैं कि महिलाएं प्रभु की सेवा नहीं कर सकती। बस यह ध्यान रखें कि परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से करवाना जानता है। इसलिए हम परमेश्वर को यह न बताएं कि कौन उसकी सेवा कर सकता है और कौन नहीं। आशा करती हूँ प्रियो, दबोरा की कहानी का यह संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।